नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। पंचायती राज सम्मेलन के मौके पर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने भोपाल में आयोजित हुए राष्ट्रीय पंचायती राज सम्मेलन में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह की जमकर सराहना की। इस रविंद्र भवन में आयोजित कार्यक्रम में यूपी की पूर्व कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी भी मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान कमलनाथ ने कहा कि पंचायती राज का इतिहास केवल कांग्रेस से नहीं जुड़ा है, पंचायती राज का मौजूदा चिन्ह बहुत पहले से है, जब पंचों को परमेश्वर के रूप में माना जाता था। पंचायत राज की जड़ें वैदिक काल से जुड़ी हुई हैं और रामायण और महाभारत के काल में पंचायती राज की प्रथा थी। कमलनाथ ने इसे इतिहास के रूप में बताया और यह भी बताया कि पंचायती राज का संविधान में संशोधन करने का पहला कदम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उठाया था। उन्होंने पंचायती राज के माध्यम से ग्रामीण विकास की शुरुआत की थी। राजीव गांधी ने इसे संविधान में संशोधन करके लागू किया था। कमलनाथ ने कहा कि पंचायती राज का शुरुआती दौर दिग्विजय सिंह की मुख्यमंत्री बनने के दौरान हुआ था। उन्होंने एक प्रयोग के रूप में पंचायती राज को लागू किया जो अन्य प्रदेश में पहले नहीं हुआ था। इस प्रयोग में जनप्रतिनिधियों को अधिकार मिले और पंचों का सरपंच और उप सरपंचों के प्रति सम्मान था। हालांकि कमलनाथ ने यह भी कहा कि आज के समय में पंचायती राज का रूप केवल बटुए और ठप्पे के बजाय समझौते का हो गया है। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह द्वारा दिए गए अधिकार अब बीजेपी सरकार द्वारा छीने गए हैं। कमलनाथ ने जानकारों को याद दिलाया कि हमारा देश गांव में बसता है और हमें इस तथ्य को समझना होगा। उन्होंने कहा कि हमारा देश बड़े शहरों जैसा नहीं है और हमें अपने गांव के विकास को महत्व देना होगा। कमलनाथ ने इसे गांव की सुख समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण माना और कहा कि तब तक हम गांव को खुशहाल नहीं बना सकते जब तक उन्हें अधिकार और सम्मान नहीं मिलते। कमलनाथ ने शिवराज सिंह चौहान से कहा कि वह हिसाब यात्रा निकालें और ग्रामीणों को उनके अधिकारों का पालन करने का मौका दें। उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह की सरकार ने सरपंचों से कैसे उनके अधिकार और सम्मान को छीना है, इसका हिसाब उन्हें देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब एक समुदाय के सदस्यों का सम्मान खो जाता है तो उनके लिए सब कुछ खो जाता है। कमलनाथ ने यह भी कहा कि मूल पंचायत राज व्यवस्था को बदलने का समय आ गया है और उन्होंने गांव के विकास के लिए कई समस्याओं का समाधान प्रस्तुत किया, जैसे कि ग्राम न्यायालय बनाने, मनरेगा की समस्याओं को हल करने के तरीके। उन्होंने कहा कि इन समस्याओं का समाधान बड़े निर्वाचन कार्यालय या जिला कार्यालय में नहीं बल्कि गाँव में ही संभव है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।